हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कठपुतली एजुकेशन। आज हम देखेंगे कि आपको बीएड एक्ट कैसे पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए, और मतलब आपको जुडिशरी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें बीएड एक्ट को कैसे किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट और आपको जितने भी आपके जुडिशरी से रिलेटेड जो जितने भी आपकी वीडियोस हैं वो सारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं कठपुतली लॉ एजुकेशन के नेम से, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें भी आपको सारी लीगल अपडेट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, सभी कंप्लीट डिटेल्स दी जाती है। चलिए अभी हम आज के टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको बीएड एक्ट कैसे पढ़ना चाहिए, कब आपको बीएड एक्ट है जो आपके लिए यूज़फुल होगा, एलएलबी में भी क्या बीएड एक्ट पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, और कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए बीएड एक्ट है जो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज हम वही सारी डिटेल्स देखने वाले हैं। देखिए, आपने बीएड एक्ट देखे होंगे ऐसे बहुत सारे शॉप पे, या फिर आपके पास होगा भी, जैसे आईपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एडवोकेट एक्ट है, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट है, मतलब ऑलमोस्ट सभी के बीएड एक्ट आते ही आते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इनको पढ़ना कैसे, क्योंकि जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए तो बहुत बड़े एक्ट्स हैं और ये याद भी नहीं होते जल्दी से जब हम देखते हैं। तो आज हम इनकी पूरी ट्रिक देखेंगे और बीएड एक्ट का मीनिंग क्या होता है वही सारी कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, कि बीएड एक्ट कहाँ कहाँ यूज़फुल होता है, बीएड एक्ट्स में से क्वेश्चंस कौन कौन से बनाए जाते हैं, ठीक है, एलएलबी के लिए क्या यूज़फुल है बीएड एक्ट्स, तो यही सारी डिटेल्स आज हम देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे बीएड एक्ट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो, बीएड एक्ट का मीनिंग समझने से पहले हमें दो चीज़ समझनी पड़ेगी। देखिए, बीएड एक्ट है उसका मीनिंग होता है कि जैसे जो जितनी भी लीगल नॉलेज होती है, ठीक है, उसको एक हम समेटते हैं, जैसे हर चीज़ के बारे में, जैसे सीआरपीसी है, ठीक है, उसकी लीगल नॉलेज है वो सीआरपीसी के बीएड एक्ट में, आईपीसी है तो उसके बीएड एक्ट में। तो ये क्या होता है, एक प्रॉपर जो हम कॉडिफाइड करते हैं किसी लॉ को, तो वो बीएड एक्ट में करते हैं। तो बीएड एक्ट का मीनिंग क्या निकला कि सिर्फ जो आपकी लीगल जो नॉलेज है उसको एक लैंग्वेज में लिख, मतलब जो लीगल नॉलेज है वो बीएड एक्ट में होगी। और बीएड एक्ट में क्या लिखा होगा लीगल लैंग्वेज को, कि जो ऑनलाइन लीगल लैंग्वेज है वो एक रिटर्न में हो, पहले हमारे माइंड में आई और फिर हमने उसको कॉडिफाइड कर दिया। पर ये सारा काम करता कौन है, ये सारा काम पार्लियामेंट करती है, क्योंकि पार्लियामेंट के ही जरिए ये एक प्रोसीजर होता है, जो मतलब एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है जो लॉन्च करती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में एविडेंस, सीआरपीसी, आईपीसी को भी चेंज किया है, तो वो किसने किया, ओनली पार्लियामेंट ने, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जरिए होता है। ठीक है, वो ड्राफ्ट कमेटी ही इसको एक कॉडिफाइड रूप में देती है, पर पार्लियामेंट का माइंड काम करता है। ठीक है, देखो, अब तीन जो बातें हैं बीएड एक्ट की वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहली है कि बीएड एक्ट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, बीएड एक्ट से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और बीएड एक्ट को कैसे याद करें और किसको पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, बीएड एक्ट से क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछे जाते हैं जो आपके लिए हर जुडिशरी और लीगल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और सभी को ही ये बीएड एक्ट पढ़ना चाहिए एक तरीके से। ठीक है, देखो कैसे, इसमें एक अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, कि अमेंडमेंट कब हुआ था, कौन से सेक्शन में हुआ था, किसके सब में हुआ था, या फिर किसी के, जैसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे इलस्ट्रेशन बेस है, क्योंकि जैसे आईपीसी है उसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं। ठीक है, एविडेंस है उसमें भी इलस्ट्रेशंस बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जैसे डॉक्ट्रिन रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, सेक्शन और आर्टिकल बेस भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो सिर्फ आप बीएड एक्ट से ही प्रॉपर लैंग्वेज देख सकते हो। साथ ही में आजकल क्या है कि आपका बीएड एक्ट से लाइन टू लाइन भी क्वेश्चंस बनने लग गए। ठीक है, तो बीएड एक्ट इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इंटरव्यू में भी बीएड एक्ट से ही सीधा उठा के पूछा जाता है कि ये अमेंडमेंट कब हुआ था, ये सेक्शन है इसका जो बी है, ये कौन कौन से पॉइंट्स बताता है। तो बीएड एक्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब बात आती है कि जो क्वेश्चंस, मतलब जुडिशरी है जो हर स्टेट के जुडिशरी का अलग अलग लेवल है, और हर लीगल एग्ज़ाम का भी अलग अलग लेवल होता है। तो आप क्या करें, जैसे एटलीस्ट 5 ईयर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनको सोल्व करें, और उससे पता लगता है कि आपको कितने जो सेक्शंस है उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से पार्ट चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक क्राइटेरिया मिल जाता है कि आप इसी में से ही सारे क्वेश्चंस देखें, बीएड एक्ट पूरा पढ़ना भी ज़रूरी नहीं होता।
तो इसलिए बेरेक से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे पॉइंट बताएं, और साथ ही में अगर जैसे ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एग्ज़ाम्स के देख लोगे तो उससे भी पता लग जाएगा कि किस में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस पार्ट में से, तो आप इजी वे में बेरेक पढ़ सकते हो। अब आता है सेकेंड कि बेरेक को कैसे याद करें। देखो बेरेक है जो पूरी बुक के टाइप में आता है, और कुछ में जिसमें सेक्शंस कम है वो बिल्कुल पतला सा भी आता है। पहली बात तो कि बेरेक्ट आपको कौन से लेने चाहिए, जैसे CLA सेंट्रल लॉ एजेंसी है उसका अच्छा आता है, ठीक है, क्योंकि वो डिग्लॉट लैंग्वेज में आता है और अच्छा साफ सुंदर लिखा हुआ भी, साथ ही में मिस्टेक्स बहुत कम आती हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा CLA का आता है, सेंट्रल लॉ एजेंसी का, तो आप वही सारे बेरेक्ट यूज़ करें। सबसे पहले जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी आपको एग्ज़ाम के लिए बेरेक पढ़ना है जिस भी सब्जेक्ट का, तो उसके एटलीस्ट 5 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन आंसर कीजिए। सेकंड है कि आपको फिर पता लग जाएगा कि कहाँ से क्या आ रहा है, तो आपको सेक्शन लर्न करनी है। सबसे पहले सेक्शन लर्न करने से आपको ये पता लग जाएगा कि इस पूरे जो आपका बेरेक्ट है उसमें क्या दे रखा है, ठीक है। और बेरेक्ट पढ़ने से पहले आपको बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुक में क्या है, इजी लैंग्वेज और कमेंट्रीज वगैरह दी होती है, उससे आपके माइंड में एक फॉर्मेट सेट हो जाता है। जब आप बेरेक्ट पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल ईजी लगता है, क्योंकि लैंग्वेज बेरेक्ट की बहुत डिफरेंट होती है, तो इस वजह से आप ये पढ़ सकते हो पहले बुक और फिर आपको बेरेक्ट पढ़ना चाहिए। फिर है सेक्शन लर्न के बाद आप उसके कीवर्ड्स देखिए, जैसे मान लो प्रॉपर आपको कोई भी लैंग्वेज याद नहीं होगी, ठीक है, तो आप जैसे उस पर लाइन कर लें कि मुझे ये वाले कीवर्ड्स है इसको याद रखना है, ठीक है। और या फिर कुछ तो ऐसी भी लैंग्वेज है कि जो याद भी हो जाएगी, क्योंकि बुक पढ़ने के बाद ईजी लैंग्वेज लगती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बेरेक लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो उससे कुछ भी याद नहीं होता, पहले बुक अच्छे से लर्न करो उसके बाद बेरेक उठाओ, तो आपको बेरेक तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जब एक बार आप बुक पढ़ लें तो उसके बाद क्या है कि आपको दोबारा भी बुक पढ़नी है। क्यों पढ़नी है, देखो बेरेक जब पढ़ना स्टार्ट करोगे फर्स्ट, जैसे मान लो किसी भी आप कोई भी बेरेक उठा लो, और जैसे फर्स्ट आपने स्टार्ट किया कि हमने एविडेंस एक्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फिर उस एक बार आप बुक से पढ़ो और फिर बेरेक से, तो आपको बेरेक की लैंग्वेज बहुत जल्दी याद हो जाएगी। आप एक बार ये ट्रिक करके देखना, ठीक है। तो इससे इस तरीके से आप बेरेक्ट को इजी वे में लर्न कर सकते हो। अब आते हैं कि किस किस को बेरेक्ट पढ़ना होता है। फिर है बेरेक्ट किसको पढ़ना चाहिए। देखिए बेरेक्ट पढ़ने के लिए चाहे LLB का स्टूडेंट्स हो, जुडिशरी का हो, या फिर किसी भी लीगल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी को पढ़ना चाहिए। पर देखिए LLB के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले आप बुक पढ़नी चाहिए। बुक में से ही आपको क्या है कि आप पास होंगे। अगर हाँ जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले बुक और फिर बेरेक्ट, ठीक है, फिर आप दोनों यूज़फुल रहेगा आपके लिए कि आपको ये दोनों पढ़ने चाहिए।